वो मुझसे शादी करना चाहता है, उसने प्रपोज किया है। और तुमने क्या कहा? तो यार आप मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में जिस वाले वीडियो को देखे या फिर अभी देख रहे हो, आपको दोस्तों मैं आज इस टाइप का वीडियो एडिट करके दिखाने वाला हूं। तो गाइस भूलकर भी इस तरह के ट्रेन के आगे सामने आपको जाने का जरूरत नहीं है, ये पूरा वीडियो एडिटिंग है। तो गाइस आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखिए, उसके बाद ही अपना ट्राई करिएगा इस तरह का वीडियो बनाने का। उससे पहले इस वाले वीडियो का मैं विनर का घोषित कर देता हूँ। तो इस वाले वीडियो का विनर है ये भाई, और इस भाई का यूट्यूब चैनल ये वाला है, और भाई का दोस्तों यूट्यूब चैनल का जो लिंक है मैंने अपने कमेंटी पोस्ट पर डाल दिया है, आप लोग जाके दोस्तों भाई को पूरा सपोर्ट कीजिएगा। और बाय द वे गाइस आप भी अगर मेरे से प्रमोट होना चाहते हो तो आपको इस वाले वीडियो में जाके प्यारा से कमेंट कर देना है, और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ताकि गाइस जब भी मैं प्रमोट करूँ आपको एटलीस्ट पता तो चले। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर वीडियो को कैसे शूट करना है। तो गाइस आप यहाँ पर वीडियो शूट करने का सिंपल सा तरीका है, फोन को किसी एक जगह पे आप यहाँ पे रख लीजिएगा, देन अपना हाथ में एक मोबाइल को पकड़िएगा और कुछ इस टाइप से चल के एक्टिंग करके रेल की पटरी तरफ जाके एक्टिंग करके आपको यहाँ पर वीडियो को शूट करना होगा। मैं यहाँ पे जिस प्रकार से दिखा रहा हूँ सेम टू सेम आपको करना होगा। पर स्टेप टू में गाइस अपना जो फोन है उसको इधर उधर नहीं करना है, ठीक है, आपको उस पटरी पे ट्रेन आने का वेट करना है। तो गाइस कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर दोनों पार्टों को शूट कर लेना होगा। अब दोस्तों एडिटिंग के लिए मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन को लेके चलता हूँ, देन आपको वहाँ पर दिखाता हूँ। तो यार आज के इस वाले ट्रेन एक्सीडेंट वीडियो को मैं एडिट करने के लिए कैपकट ऐप का यूज़ करने वाला हूँ। जैसा कि साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो जो कैपकट ऐप है मैंने ओपन कर लिया है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देन दोस्तों आपने जो स्टेप टू में जो वीडियो शूट किया था जो ट्रेन वाला वीडियो उसको गाइस आप यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट कीजिएगा, जो कि दोस्तों आपके बैकग्राउंड में होगा। देख सकते हो गाइस मेरा जो वीडियो उसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब साथियों आपको यहाँ पर वीडियो को ऐड कर लेना होगा। ऐड करने के बाद दोस्तों आपको इस वाले वीडियो का जो वॉल्यूम है उसको दोस्तों आप यहाँ पे वॉल्यूम वाले ऑप्शन में जाके जीरो कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों इस वाले वीडियो में ट्रेन का साउंड ना आए। अब दोस्तों आपको अपने वीडियो के लास्ट में जाना होगा, और ये जो ब्लैक वाला बैकग्राउंड है इसको दोस्तों आप यहाँ पर डिलीट करके हटा दीजिएगा। हटाने के बाद साथियों अभी आपको अपने वीडियो के स्टार्टिंग तरफ में आना होगा। आने के बाद आप यहाँ पर ओवरले वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। ऐड ओवरले वाले ऑप्शन में जाके यहाँ से दोस्तों अभी आपका जो फर्स्ट स्टेप वाला वीडियो जहाँ पर अपना मोबाइल पकड़ के रेल के पटरी की ओर जा रहे हो, इस वाले वीडियो को दोस्तों आपको यहाँ पर अभी सेट करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप यहाँ पर अपने डबल फिंगर की हेल्प से कुछ इस तरह से वीडियो गाइस आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट कर लेने के बाद साथियों आप यहाँ पर नीचे में अगर देखोगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक मार्क्स का ऑप्शन दिखेगा, आपको गाइस यहाँ पर मार्क्स वाले ऑप्शन पर जाना होगा। रेक्टेंगल वाले मार्क्स को आपको सेट करना है, और कुछ इस टाइप जहाँ पर आप हो उसी जगह का गाइस आपको यहाँ पर क्रॉप करके रखना होगा। तो मैं यहाँ पर जिस प्रकार से कर रहा हूँ सेम टू सेम आपको यही चीज़ यहाँ पर करना होगा। करने के बाद दोस्तों अभी आपको अपना वीडियो यहाँ पर प्ले करके देखना है कि आपका वीडियो गाइस यहाँ पर एडजस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं अपने वीडियो के यहाँ पर प्ले करके देखता हूँ, देख सकते गाइस यहाँ पर मेरा वीडियो कुछ इस टाइप से प्ले हुआ है। देन गाइस मेरा यहाँ पर ट्रेन आने का और मेरा मूवमेंट करने का टाइम यहाँ पर सही होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा सही है। अब दोस्तों जहाँ पर आप देखो हाथ सब मतलब कुछ इस तरह से मैं फैला दे रहा हूँ, जिस इतना पार्ट में आके इस साइड का जो पार्ट रहेगा दोस्तों मैं स्प्लिट करूँगा, देन इसको मैं यहाँ पर डिलीट करके हटा देता हूँ। अब साथियों बारी है वीडियो में कलर ग्रेडियंस करने का, ताकि गाइस वीडियो आपका पकड़ा ना जाए। उसके लिए साथियों आप यहाँ पर बैक करके बाहर आइएगा, फिल्टर वाले ऑप्शन पर आपको जाना होगा, एडजस्ट वाले ऑप्शन में जाइएगा। यहाँ पर दोस्तों आप मैं यहाँ पर सैचुरेशन को हल्का सा इंक्रीज कर देता हूँ, देन एच एस एल वाले ऑप्शन पे यहाँ पर मैं जाऊँगा। यहाँ पर जो ग्रीन कलर है मतलब ये पेड़ पौधा है इसको गाइस मैं पूरा यहाँ पे ग्रीन कर दूंगा कुछ इस टाइप से, और सैचुरेशन इसको मैं इंक्रीज करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा टी शर्ट का जो कलर है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और कुछ इस तरह से टी शर्ट का कलर भी इन्हांस मैं कर दूँगा, और यहाँ पर मेरा जीन्स का जो कलर है उसको मैं हल्का सा इंक्रीज कर देता हूँ, और इस साइड में करके मैं यहाँ पर जीन्स का कलर भी चेंज कर सकता हूँ, सो मैं नहीं करूँगा। आप दोस्तों अपने हिसाब से यहाँ पर जिस तरह का होगा उस तरह से आप यहाँ पर कर लीजिएगा, और येलो कलर को भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तन मैं ओके प्रेस यहाँ पर कर लूँगा। अब दोस्तों जो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग आपको इंस्टाग्राम रील्स या फिर जो भी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पे वायरल होता है उस वाले सॉन्ग को दोस्तों आपको इस वाले वीडियो के अंदर एडिट कर देना मतलब अप्लाई कर देना होगा, तब गाइस आपका वीडियो यहाँ पर उस भी सोशल वीडियो प्लेटफॉर्म पर वायरल हो जाएगा। बाकी साथियों वीडियो को सेव करने के लिए आपको यहाँ पर 1080 वाले ऑप्शन पर जाइएगा, यहाँ पर 1080p, और इसको 60fps पर शेयर पर क्लिक करके वीडियो को अपना सेव यहाँ पर कर लीजिएगा। बाय द वे गाइस मेरे अगर लास्ट वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप इस वाले जगह पे क्लिक करके देख सकते हो, और इस साइड में आपको और एक वीडियो दिख रहा है यहाँ पर भी क्लिक करके देख सकते हो, और बीच में आपको सब्सक्राइब वाला बटन भी दिख रहा होगा,
चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी एडिटिंग वाले वीडियो के ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय टाटा नमस्कार।